वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिक्र कितों नहीं आए, ऐसो तो हो नहीं सकत। ज्योतिरादित्य सिंधिया के परिवार को और महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को का किस्सा है जो तो सबको पतो है, लेकिन हाल में ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल भए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। सो शायद लोगन को उम्मीद हती के ज्योतिरादित्य सिंधिया अब तो कम से कम महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि दे हैं, लेकिन ऐसो हो ना सको। दिन भर लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के फेसबुक पे इंतजार करत रहे के श्रद्धांजलि दे रहे के नहीं दे रहे भी महारानी लक्ष्मीबाई को, लेकिन बाकी तमाम पोस्ट तो करी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने फेसबुक के जरिए मनो महारानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि नहीं दी। लेकिन इन्हीं से आगे एक बड़ी बात जो देखने को मिली, वो देखने को मिली मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री इमरती देवी के जरिए। दरअसल इमरती देवी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की खास समर्थक हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़ के बेबी भाजपा में आई थी और इसके बाद उपचुनाव हार गईं, लेकिन इमरती देवी आज पहुंची महारानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि देवे। बाकायदा उनने प्रतिमा पे माल्यार्पण करे, अपनी तरफ से श्रद्धांजलि भी दई और इसके संगे बाकायदा तस्वीरें भी जारी कराई। अब इमरती देवी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक हैं, उनने तो महारानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि दी है, खुद प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण करके। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाकी समर्थक विधायकों में से भी ज़्यादातर ने अपने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए महारानी लक्ष्मीबाई को नमन करे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ई बलिदान दिवस पे कोनो पोस्ट नहीं करी। और कारण आप सबको पतो ही है, अलग से बतावे की जरूरत का है।